सर पे कफन है, हाथ में तिरंगा, सीने में किसान, कोई नहीं रोक सकता। जाइएगा, जाएंगे। अगर रोकेगी तो जलियांवाला बाग बनेगा, किसान हाथ नहीं उठाएगा। और आज तो हमारे नेता ने भी कह दी चमड़ी उधेड़ देंगे अगर कोई रोकेगा तो। और ये तो पक्का देशद्रोही है। पीएमओ उसकी जेब में, सुप्रीम कोर्ट में सवाल खड़ा कर दिया उसने कि जजों को खरीद लेता हूँ। मन की बात तो अक्सर करते रहते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? बात कर रहा था। अरे अगर घरवाली होती तो उससे कर लेता मन की बात, या देश की बात होनी है। मन की बात, मन की बात जब कंपनी चला रहा तो फिर बाबा काहे का, फिर तो लाला रामदेव है। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं बिजनेस मैन हूँ, मैं खेती कर रहा हूँ तो किसान हूँ। कुर्सी इनके बाप की है, कुर्सी हमने दी है, हमारे देश की कुर्सी है, तो कहेंगे ना गलत बैठेगा। अभी तो कह रहे ठोक भी देंगे। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे बीच हरिंदर ताऊ, जो कि वायरल हो रहे हैं बहुत ज्यादा, किसानों को लगातार समर्थन दे रहे हैं। एक तरफ जो किसान नेता और जो सरकार की जो बैठक है वो जारी है और अभी का समय है 5:30 बज रहा है और अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। 9 दौर की वार्ता हो गई, कोई निष्कर्ष नहीं। कैसे देख रहे हैं ये वार्ता? तो होती जा रही है, फिर तारीख पे तारीख। अभी तो और लगेगी, अभी सरकार छकी नहीं है, भागने तो इसे, कहाँ तक भागेगी? किसान कभी नहीं थकता, किसान तो बुढ़ा होके चार भाइयों के कंधे पे जा, जिस दिन किसान थक जाएगा वो चार भाइयों के कंधे पे आखिरी यात्रा पे चला जाएगा, इससे पहले कभी किसान नहीं थकता। तो लड़ाई जारी है, भागने दो, आएगी 1 महीना 2 महीना 4 महीने 10 महीने 10 साल, हम क्या जा रहे है? यही रहेंगे, अभी तो इनके खेत भी बढ़ाओगे। मतलब बुढ़ापे में भी मतलब जोश पूरा। अरे बुढ़ापा, अरे एक बार भूतपूर्व नौजवान भी कह दे या बुढ़ा ही कहेगा, भूतपूर्व नौजवान कह दे तेरी जुबान घिस जाएगी। लेकिन जिन पत्रकारों को आप कह रहे वो तो अभी नौजवान है ना, गोस्वामी नौजवान है, आप उनको ललकार रहे हैं। मैं ललकारता नहीं, अगर मिल जा तो जमीन में गाड़ दूंगा, इतना गुस्सा है। अगर वो चैट लीक हो जाती तो वहां हमारे सेना के सारे कमांडो मारे जाते, मारे जाते। गिरफ्तारी कहां हुई? जो आरोप आप लगा रहे हैं, जो भी चैट में खुलासा हुआ, लेकिन अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? जिसका बाप दरोगा उसे क्या जोखो, जब पीएमओ उसकी जेब में है तो गिरफ्तार कौन करेगा? तड़ी पार कर लेगा गिरफ्तार, क्यों नहीं? गृह मंत्री है, कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हुआ? और ये तो पक्का देशद्रोही है। पीएमओ उसकी जेब में, सुप्रीम कोर्ट में सवाल खड़ा कर दिया उसने कि जजों को खरीद लेता हूं, और खरीदा है, तभी तो उसे 1 मिनट में जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। सुप्रीम कोर्ट जवाब दे, देश की जनता पूछ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी विश्वसनीयता है। लेकिन पूछता है भारत तो जारी है, और वो पूछता है भारत में आपसे पूछ रहे हैं कि खालिस्तानी तो नहीं? अरे थूकता है भारत उस पर, पूछता भारत नहीं, हाथ से थूकता है भारत उन पर। मर्यादा रखिए, एक जाने माने पत्रकार है। जूता पैर में बता दिए, चमड़ी उधेड़ दूंगा अगर मुझे मिल गया। और उसके जो यहाँ चेले घूम रहे उनसे भी कह दिए कि इसे माइक को लेकर घर निकल जा। मन की बात तो अक्सर करते रहते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? बात कर रहे थे। अरे अगर घरवाली होती तो उससे कर लेता मन की बात, या देश की बात होनी है। मन की बात, मन की बात उस पर बैठ कर करो जा। अरे यहाँ जाना, देश की बात कर, मन की बात क्या कर रही? देश की बात कर, किसान की बात कर। सुनना नहीं चाहते मन की बात, सुनते तो कुछ समाधान दिख जाता उनके मन की बात में आपको। अरे एक आदमी हम उससे बोल रहा, और हमारी बात कैसे जाएगी उस तक? जो उसने कहा है कि हम उससे कह रहे भाई तू गलत बोल रहा है या सही, तो हमारी तो जानेगी ना। मीडिया को बायकॉट कीजिएगा तो कैसे जाएगा? आप इधर रिपब्लिक को आने देते हैं ना किसी चैनल को आने देते हैं कि तुझे रोक का यहाँ? अरे इतने दिन से आ रहा, तेरा किसने चांटे मारे बता? लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को तो रोक रहे हैं। कौन सी को रोक का? मेन स्ट्रीम है कौन सी? सिर्फ दलाल को रोक का, दलाल। अब देखा ना, एक दलाल की तो खुल गई, देशद्रोही बन गया। एक उनका फुप्पा है वो रजत शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार है। और हम कौन से बालक है? हम भी तो वरिष्ठ है। ये देखे वरिष्ठ ना, ये देश के वरिष्ठ नागरिक है। चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता, वो वरिष्ठ पत्रकार है तो उनसे क्या दिक्कत? कैसे हो जाएगा जब दलाली करेगा उसे कैसे मान लेंगे?
और एक और है वो बैठा है वहाँ, क्या नाम है उसका, सुधीर, हाँ सुधीर चौधरी है, वो भी 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांग रहा था, उसमें फंसा था। तो इन्हें पत्रकार कहोगे, पत्रकारों की संज्ञा पूछे? मैं 2 आदमियों को पत्रकारों की संज्ञा में रखता हूँ देश में। एक है News 24 जिसपे संदीप चौधरी, और एक है News 18 के सारे जितने ये गधे पत्रकार हैं, देशद्रोही पत्रकार हैं, सारे दिन जो है ये मतलब ऐसा उगलेंगे जहर। और 9 बजे रवीश कुमार होगा। आप जिन पत्रकारों का नाम ले रहे हैं उन पत्रकारों को टुकड़े टुकड़े गैंग का पत्रकार कहा जाता है, उन पत्रकारों पे अक्सर कार्रवाई होती रहती है। अरे जब तुम्हें पता है, जब देश आजाद हुआ था अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो जितने देशभक्त थे उन्हीं पे तो कार्रवाई हुई। आज भी ऐसा ही हो रहा, अगर देशभक्त हो गए तो कार्रवाई होगी, और कार्रवाई से हम डरे हैं। हम ना डरते, सिर पे कफन तक बांध के घूम रहे। जब से सुना है मरने का नाम जिंदगी है, सिर पे कफन बांध के कातिलों को ढूंढ रहा हूँ। कहाँ कातिल, आ जाओ। इतना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल कीजिए। अरे देशद्रोही को क्या करना है, देशद्रोही है, और जितनी बीजेपी है सारी देशद्रोही है, क्योंकि आज उन्होंने किसानों को देशद्रोही कहा है। राष्ट्रवादी पार्टी मानी जाती है और आप डायरेक्ट देशद्रोही कह रहे हैं। कौन सी राष्ट्रवादी है, भारतीय जनता पार्टी कहां से राष्ट्रवादी हुई? 1947 जब देश आजाद हो रहा था, इनमें से बता इसका कौन सा परिवार का या पूरी बीजेपी में एक ऐसा बता जिसके कुनबे का देश की लड़ाई में हो, सारे अंग्रेजों के साथ खड़े थे। फिर आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री जो घर परिवार छोड़ दिया है समाज की सेवा करने के लिए, उसको आप आरोप तो हमारा भी तो छुड़वा दिया। अरे अपना तो छोटा छोटा हमारा छुड़वा दिया, सड़कों पे ला दिए, घर से निकाल। अगर वो ने अपनी घरवाली छोड़ दी तो इनकी भी छुड़वा हुआ सबकी। तो देश सेवा के लिए छोड़े है? देश की सेवा के लिए। और इनसे बड़ा देश सेवा कोई है? पूरी दुनिया को पेट पाल रहे और तुम उसे देश सेवा कह रहे हो? वो देश सेवा नहीं है, दलाल है, अडानी अंबानी का दलाल है। बहुत बढ़िया। अब व्यापारी भी बीच में आ गया, व्यापारी भी बीच में आ गया। अगर बीच में कोई आवेगा हमारी फटी में टांग देगा तो साले की तोड़ के अपने जैसी ना कर लेंगे हम। जैसे आप व्यापारी की बात कह रहे हैं तो बाबा रामदेव वो योग सिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, योग सिखाने आए यहाँ पे, लोग उनको फेमस हो गए, पहचानने लगे, अगर वो स्वदेशी अपनाते अपील करते हैं तो इसमें क्यों दिक्कत है? नहीं, हमने कद गई दिक्कत जब है जब वो किसानों के मुद्दे में टांग अड़ावे। 1 इंच खेती उसके नहीं, एक बैंक में उसका खाता नहीं जैसा वो बतावे, उसका कुछ देश में नहीं, बैंक में खाता नहीं है, कंपनी चला रहे बाबा रामदेव। जब कंपनी चला रहा तो फिर बाबा कहाँ का, फिर तो लाला रामदेव है। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं बिजनेस मैन हूँ, मैं खेती कर रहा हूँ तो किसान हूँ। तो लाला रामदेव का बाबा रामदेव की बाबा की उपाधि किसने दी? उसके कोई बालक है जो उसके पोते उसे बाबा कहेंगे? है लाला है। अरे बाबा इनके इनके पोते कहेंगे, इन्हें इनके कहेंगे, चाचा कहेंगे, ताऊ कहेंगे। देश के बाबा है, देश उन्हें बाबा मानता है। बाबा कोई नहीं है। ओए देश उन्हें बाबा बुलाता है ना, बाबा रामदेव कहते हैं लाला। ये मत कह दिया देश का बाबा, मतलब हमारे बाप का बाप हो गया वो। वो नहीं कह रहे, लेकिन देश बाबा रामदेव बुलाता है ना। लाला रामदेव क्या क्या जी, लाला रामदेव कौने दो आंख वाला बाबा। देखो अब ले एक उपाधि और ले जा। नाम बदल रहे, नाम बदल रहे। एक तो योगी जी फेमस है, नाम बदल रहे, आप भी फेमस हो जाइएगा। क्यों भाई, इनके बाप दादा कह मरे कि यही करेंगे सारा काम है? अगर नाम बदलने से तकदीर बदलती तो ये सारे मुकेश अंबानी अपना नाम रख लेते, समझ गया? देश का नुकसान करना करा ही क्या इन्होंने, नाम बदल दो। अब राम सिंह को श्याम सिंह कह लो या श्याम सिंह को राम सिंह कह लो, रहेगा तो वही है, या गधे को साबुन से नुहाओगे घोड़ा हो जाएगा। तो ये देश का कोई भला नहीं करेंगे। इनका काम है कि देश को हिंदू मुस्लिम पर लड़ाना, जातिवाद पर लड़ाना, धर्मवाद पे लड़ाना। अभी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, आप किसान नहीं उनको प्रधानमंत्री बनाया, वो तो ऐसे आ नहीं गए। जिसको हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, परमानेंट कुर्सी नहीं है,
उसका टेंटवा पकड़ के जमीन में भी तार देते हैं हम, वो किसान है। और ना यकीन हो तो इतिहास उठा ले, इंदिरा गांधी भी एक बार अपने आप को ऐसे कहती थी। और ये तो कुछ भी नहीं लाए, देश की सबसे ज्यादा सीट राजीव गांधी लाए थे, वो नहीं रहे, इनकी तो औकात क्या। कानून तक रही, आप कुर्सी तक चले गए, कानून तक रही है ना, आप कुर्सी तक चले गए। कुर्सी इनके बाप की है, कुर्सी हमने दी है, हमारे देश की कुर्सी है, तो कहेंगे ना गलत बैठेगा। 26 को जो परेड को लेकर बड़ी असमंजस है कि क्या होगा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस गई हुई थी, दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पुलिस पे छोड़ दे, वो चाहे तो जाने दे या फिर बाकी चीज देख ले। और सुप्रीम जो पुलिस पे मामला आ गया, तो ऐसे में आप जाएंगे, पुलिस बल प्रयोग कर सकती है, आपको रोक सकती है, इसके लिए तैयार है? सर पे कफन है, हाथ में तिरंगा, सीने में किसान, कोई नहीं रोक सकता, जाइएगा, जाएंगे। अगर रोकेगी तो जलियांवाला बाग बनेगा, किसान हाथ नहीं उठाएगा। और आज तक हमारे नेता ने भी कह दी चमड़ी उधेड़ देंगे अगर कोई रोकेगा तो। चलिए ठीक, धन्यवाद। तो ये हरेंद्र ताऊ थे जो कि जिनसे लगातार हम बातचीत कर रहे थे, इनका हौसला आपने देखी, ये कह रहे हैं कि सर पे कफन भी तैयार है और हम जाके रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज में, बने रहिए।